क्या आपको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी है, आपको समस्या हो गई है, तो कुछ परहेज होते हैं इसके लिए आपकी ज़िंदगी ठीक चल सकती है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। और कोलेस्ट्रॉल है क्या चीज़, मैं सीधा सीधा सा आपको देसी भाषा में समझाऊंगा कि जिस तरीके से किसी बर्तन में तली हुई चीज़ें बनाते हैं और उसको साफ करते टाइम पानी लगते ही जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है, उसी तरीके का हमारे शरीर में एक आम होता है, वो हमारे लाइफस्टाइल के ख़राब होने के कारण ऐसा होता है। खाना खाया सो गए, दिन में खाना खाया सो गए, और काम कम हैवी भोजन करना, आप गरिष्ठ भोजन करना, फ्राइड चीज़ें, पकोड़े, समोसे, छोले भटूरे, आप इस तरीके के अगर खाने के आदि हैं तो आप अपनी जीभ पर कंट्रोल करें और इससे आप बच सकते हैं लाइफस्टाइल चेंज करके। आज का विषय है कोलेस्ट्रॉल में कौन सा तेल खाया जा सकता है। आजकल बहुत क्वेश्चन उठते हैं कि रिफाइंड तेल हम लेते हैं या सफोला लेते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं जो रिफाइंड ऑयल है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी की बदनामी नहीं कर रहा, लेकिन जो हकीकत है उनसे आपका कोलेस्ट्रॉल कभी ठीक नहीं होता। रिफाइंड करते टाइम उसमें अनेक केमिकल यूज होते हैं, उसकी गंध उड़ाने के लिए, उसके रंग उड़ाने के लिए काफ़ी केमिकल इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे प्रोसेसिंग किए जाते हैं कि वो तेल ही नहीं रहता, वो आम जो हमारे पेट में बनता है वो बाहर ही बनने लगता है और उसको हम खाते हैं, उल्टा हमारा कोलेस्ट्रॉल और बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप परहेज करें फ्राइड चीज़ों से। ये लीवर के कारण, जब लीवर मंद हो या लीवर डिसफंक्शन हो, लीवर ठीक ढंग से पाचन क्रिया नहीं कर रहा है, तो उससे आप लीवर से ये कोलेस्ट्रॉल की उत्पत्ति होती है और ये नसों में चिपचिपा सा, जैसे मैंने बताया कि कढ़ाई के अंदर या तवे के ऊपर पानी डालकर जो चिपचिपी होती है, इसी तरीके का आपके वेसल्स में घूमता है, हार्ट में घूमता है, रक्तवाहिनियों में घूमता है, और ये जहाँ रुक जाता है उसी प्रकार का रोग बन जाता है। किडनी को ख़राब करने का कारण आम, हार्ट की वाल को ख़राब करने का काम आम, और सिर के अंदर अगर रुक जाए तो पैरालिसिस होने का सबसे बड़ा आम बात बोलते हैं। आप जोड़ों का दर्द क्या नहीं है, इससे मेरे हिसाब से 70-80% रोग आम के कारण ही हैं, और आम हमारी अंदर उत्पत्ति ऐसे हो ही नहीं सकती, जब तक आपकी जीवन शैली ठीक है तब तक ये उत्पन्न हो ही नहीं सकता। आप अगर खाते हैं, अगर उल्टा सीधा खाते हैं, तो उसको पचाने का भी समाधान करें, मेहनत करें, परिश्रम करें, पसीना बहाने वाला काम करें, फिर आपका लीवर एक्टिव रहेगा और आपका खाया पिया सब पच जाएगा। अगर पचता नहीं, आपने भोजन किया उल्टा सीधा और भोजन पचता नहीं, पेट में सड़ता है और सड़ के गैस बनती है, सड़ के आपकी पित्त विकार होते हैं, वात विकार होते हैं, तीनों दोषों के विकार आम के कारण हो सकते हैं, और सब के सब ऐसे रोग हैं जिनको दूसरी पैथियों में ये बोल दिया जाता है कि ये ज़िंदगी भर चलेगा। कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, उनके लिए बिल्कुल ही बंद कर दिया जाता है तेल घी, के आपको बैड कोलेस्ट्रॉल बना हुआ है, आप घी नहीं खाना, मर जाओगे, और गुड कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आएगा? सोच कर देखिए, अगर आपने चिकनाई छोड़ दी तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आएगा? आप मेहनत करिए, चिकनाई खाइए, लेकिन चिकनाई कौन सी? कच्ची घानी का सरसों का तेल, शुद्ध घी, गाय का घी, सूरजमुखी का तेल, ये आपको कभी कोलेस्ट्रॉल बिगड़े हो कभी और नहीं बढ़ाता। आप
तेल घी खा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप खाएं और मेहनत करें। अगर आप वृद्धावस्था में हैं तो आप घूमें फिरें, योगा करें और उतना खाएं जितना आप पचा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि क्या मैं ये खा लूँ, मेरे लिए ठीक है, क्या मैं ये खा लूँ, मेरे लिए नुकसान तो नहीं होगा। हम ये कहते हैं वो चीज़ खाओ जो आप पचा सकते हो, और अगर पचा नहीं सकते तो मत खाओ। अगर आपको खाना ही है तो कुछ उपचार करें। सवेरे जल्दी, आयुर्वेद में कहा है कि सबसे पहले सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में अगर जल पीते हैं तो बहुत से रोग नष्ट होते हैं। तो आप उस टाइम पे गर्म पानी पीने से आम दोष खत्म हो सकता है। मेहनत करने से, आपके व्यायाम करने से, खेल कूद करने से, पसीना बहाने से अगर आप असमर्थ हैं तो आप मत खाइएगा। अगर मेहनत नहीं कर सकते तो मत खाइएगा। अगर आप सारा दिन बैठे ही रहते हैं तो तली वली चीज़ें और घी तेल सब छोड़ दीजिएगा। आपको सब्जियों पर रहे, फलों पर रहे, ज़िंदगी अच्छी चलेगी। शिकायत मत करो किसी से कि मेरे ये रोग हो गया। ये शिकायत का कारण हम खुद ही होते हैं। आप समझदार हैं। आज इतना ही। नमस्कार।